आज हम ऐसी ज़बरदस्त किचन टिप देखते हैं कि जिसका यूज आपको हर रोज़ किचन में काम करते वक्त आ जाएगा। तो हम बाज़ार में से मसाले का पैकेट खरीद कर लाते हैं और वो ओपन करने के बाद ऐसा ही खुला रह जाता है। तो खुला रहने पर जो मसाले का स्मेल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं थोड़ी सी अनटेस्टी बन जाती है और खुले डब्बे से मसाला गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो हम एक ऐसी ज़बरदस्त किचन टिप देखते हैं, बस हमें ये पैकेट खोलने के बाद इसे एक बंद करने का छोटा सा एक सिंपल सा तरीका आजमाएंगे। इस तरह से हम ये फोल्ड करेंगे। ये तीनों साइड फोल्ड करने के बाद, ये तीनों साइड अंदर डालने के बाद, ये जो साइड है इसे भी अंदर की ओर थोड़ा सा प्रेस करना है। ये दोनों भी साइड इस तरह से हम अंदर की ओर प्रेस करेंगे और हम इस तरह से मसाले का डब्बा फिर से बंद करेंगे। इस तरह से बंद करने के बाद मसाला गिरने के चांसेस भी नहीं होंगे और हमारा मसाला ओपन नहीं रह जाएगा, तो इसका स्वाद लंबे समय तक बरकरार रहेगा। और ये जो साइड है एक आपको दिखाई दे रही है, ये अंदर इस तरह से अंदर डाल देंगे और ये देखिए हमारा मसाले का डब्बा पूरी तरह से बंद हो गया। एकदम आसान और कमाल की ज़बरदस्त किचन टिप्स है ना काम की। इसी तरह हम सभी मसाले के डब्बे पैक कर कर रख सकते हैं और मैं यहाँ किसी भी ब्रांड का ऐड नहीं कर रही हूँ। मेरे पास जो मसाले के डब्बे थे तो मैं वही मैंने लिए हैं। ये देखिए ये हम इस तरह से अंदर डालकर फिर से इसे इसी तरह पैक करते हैं। बहुत आसान और कमाल की ये किचन टिप है। इस तरह से रखने से मसाला भी बाहर नहीं निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दी में होते हैं और जल्दी में मसाले निकालने वक्त डब्बा गिर जाता है और एक दूसरे में मसाले मिक्स हो जाते हैं। ये जो कस्टर्ड पाउडर है अभी मैंने इसका यूज़ नहीं किया, पर अब समर में इसका बहुत आपको यूज़ हो जाएगा। तो इस ये पैकेट ओपन करने के बाद इस तरह ये पैकेट भी आप बंद करके रख सकते हैं।